राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में गौरव शक्ति के अंतर्गत चल रहे महिला पुलिस के लिए 3 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आज डीजीपी अशोक कुमार ने समापन किया। वहीं 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 35 महिला पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा के गुण सीखे। इसके साथ ही महिला या पुरुष से जुड़े साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही डायल 112 में भी तत्काल मदद के लिए महिलाएं संपर्क कर सकती है। वही महिलाओं को जागरूक करने तथा आत्मरक्षा के मद्देनजर गौरव शक्ति ऐप को राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। आगे भी चलेगा सर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन गौरव शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना है। इस मिशन गौरव शक्ति का एक पार्ट अच्छा उसी की कड़ी में हमने हर जिले में हमारे अपनी महिला पुलिसकर्मियों के ट्रेनर्स डेवलप किए हैं। आज उनको ये कोर्स कराया गया है। अब ये लोग हर जिले में जा सकते हैं। मार्च और अप्रैल में जो है, जो आम लड़कियाँ हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, जिनको भी जरूरत महसूस होती है, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। उसके लिए हर पुलिस लाइन में कैंप लगाए गए हैं। कहीं कहीं पे स्कूल्स कॉलेज में भी हम लोग कैंप लगाए। सर, ये मतलब